फ्रेंड्स, वेलकम टू द CGPSC मेंस प्रोग्राम ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकल परवीन खान एंड आई एम बैक अगेन दिस टाइम विद द एनालिसिस वीडियो ऑन हिस्ट्री। देखिए, इतिहास, भारत का इतिहास जो है, आप सभी जानते हैं कि पेपर 3 के पार्ट 1 में कवर किया गया है मेंस के सिलेबस में। जो थर्ड पेपर है उसका जो पहला भाग है उसमें हिस्ट्री कवर किया गया है, और जैसे कि आपने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा ही होगा, इट कवर्स 75 मार्क्स ऑफ 200 मार्क्स ऑफ दैट पेपर। 200 में से 75 मार्क्स जो है ये भाग कवर करता है। 3 हिस्सों में बांटा गया है पेपर को, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 75 मार्क्स के हैं, और पार्ट 2 जो है आपका वो आपका 50 मार्क्स का है। तो इतिहास से 75 मार्क्स जो हैं वो आप गेन कर सकते हैं पेपर 3 में, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। हिस्ट्री में पूरा का पूरा पार्ट जो है हिस्ट्री का, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न सभी रखा गया है। पिछले बार से इस बार फ़र्क ये है कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, जो मध्यकालीन इतिहास था भारत का, वो नहीं था पहले, मतलब लास्ट ईयर ही जोड़ा गया। उसके पहले तक के, लास्ट ईयर तक के मिडिवल इंडियन हिस्ट्री नहीं थी। पिछले साल से ये मिडिवल इंडियन हिस्ट्री भी जोड़ी गई है। तो अब कह सकते हैं आप कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधुनिक भारत पर आपका ज़्यादा वेटेज होगा, पूरा का पूरा इतिहास पर वेटेज है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश की गई थी, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, और क्योंकि ये पार्ट 1 है तो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस इस पार्ट में से पूछे गए थे। और कोशिश ये की गई थी उसमें कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों से ही बराबर बराबर क्वेश्चंस पूछे जा सकें। बराबर क्वेश्चंस का मतलब टोटल जो आपके मार्क्स का वेटेज हो वो तीनों से करीब करीब बराबर थे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि आप एंशिएंट या मिडिवल या मॉडर्न में से किसी एक को ज़्यादा प्रेफरेंस। इन तीनों के कंपैरिजन में हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, वो हमेशा की तरह। लेकिन क्योंकि मिडिवल को नया एडिशन किया था उसने लास्ट ईयर, तो देखा गया कि पिछले बार मिडिवल से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, और एंशिएंट तो कन्वेंशनली कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो यहाँ मैं बिल्कुल आपको भ्रम में नहीं रखना चाहूँगी कि आप कोई एक पार्ट को स्किप करते, सभी चीज़ें पढ़ें। आपके इंटरेस्ट और आपकी कह सकते हैं आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आप एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में से किसी को कम और किसी को ज़्यादा वेटेज या ध्यान दे सकते हैं अपने हिसाब से। जो आपको बहुत अच्छा लगता है उस पर बहुत अच्छी पकड़ बनाइए आप, और जो उतना ज़्यादा आपके हाथ उसमें कह सकते हैं उसमें आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो उसको आप एवरेज तैयारी कर सकते हैं। बट डू नॉट स्किप एनी ऑफ द 3 पार्ट्स, ठीक है? टू बी वेरी क्लियर, आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें, क्योंकि दैट इज़ द ओनली एग्जाम्पल वी हैव ऑफ द न्यू पैटर्न, ठीक है? तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि इस हिस्ट्री से आपके 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, और क्योंकि पार्ट 1 है 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो पार्ट 2 से आता है। और इसी फॉर्मेट में जितने भी डिस्कशन कम्युनिटी में क्वेश्चंस अपलोड होंगे वो इसी फॉर्मेट, इसी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपके होंगे। इज इट क्लियर? सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बड़ा क्वेश्चन होगा आपका वो इस पार्ट से आएगा, पार्ट 2 से नहीं आएगा, ठीक है? तो बड़े क्वेश्चन जो होंगे वो 175 वर्ड्स वाले, वो हिस्ट्री से बनेंगे, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर करके रखें। हालांकि 125-175 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ जाता। मैंने कहा था कि शुरुआत में ही कहा था कि मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला पार्ट बस आप ऐड कर दीजिए और आपका आंसर जो है वो 125-175 वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए 100 वर्ड्स वाले अपने आंसर्स में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़रूर लिखें, ठीक? तो फॉर्मेट ऐसा है कि हिस्ट्री का जो पूरा पार्ट है 75 मार्क्स का, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, उसको अगेन हमने जितने भी आपके वीडियोस हैं, क्योंकि इसमें आपका नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा हैं इसलिए इसके वीडियोस भी ज़्यादा होंगे। CGPSC मेंस प्रोग्राम में 10-12 वीडियोस होंगे इतिहास के, तो उसको पूरे सिलेबस को अगेन मैंने पॉलिटी के जैसे ही डिवाइड कर दिया है। जितने टॉपिक्स अपलोड हो रहे हैं DC में वो पॉलिटी के जैसे ही 10-12 वीडियोस में डिवाइडेड हैं। और अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें इतिहास का सबसे पहला जो पार्ट है वो यही है जो 3 डेज अगो आपके डिस्कशन कम्युनिटी में अपलोड किया गया था, ठीक है? तो हम पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे और सबसे एग्जांपल के तौर पे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर लेंगे। तो जो पहला टॉपिक आपका अपलोड किया गया था वो एंशिएंट हिस्ट्री से था, प्राचीन इतिहास से था, प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन तथा बौद्ध धर्म, जो इनिशियल पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे कवर किया गया था। और उसमें से आपके इन सभी फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपके कुछ कुछ अपलोड किए गए थे। कई सारे लोगों ने इस पर आंसर्स लिखे हैं, आप जाके उनके आंसर्स पढ़ें। अभी तक जो लोग डिस्कशन कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं उन्हें कहिए कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का वक्त अब आ गया है, इट इज़ नाउ पीक टाइम, कि अब आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना चाहिए। और दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कंपैरेटिव वे में ऐसा कर सकते हैं। जो लोग शुरुआत से लिख रहे हैं, अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स,
मैंने देखा है कि स्टार्टिंग से कई लोग निरंतर है कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी बनाकर रखे उन लोगों ने और आंसर्स लिख रहे हैं और उनके आंसर्स में इम्प्रूवमेंट भी बहुत कुछ है. मतलब ना सिर्फ ये कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व कि उनके आंसर्स में जो हम कह रहे हैं, जो बताया जा रहा है, उस तरह के इम्प्रूवमेंट भी आ रहे हैं. जो दूसरे लोग हैं आप उनसे सबक ज़रूर लें. मैं कुछ नाम ज़रूर लेना चाहूँगी जिनके रेगुलर आंसर्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे उन्होंने इस टॉपिक पर भी आंसर्स लिखे हैं, जैसे कि मधुलिका दीक्षसेना, साक्षी मित्तल, आकांक्षा पांडे. डू रीड द आंसर्स विच दे राइट. ठीक है, उनके जो भी हमने कह सकते हैं रेक्टिफिकेशन किए थे आंसर्स में, उनको सुधार कर उन्होंने लिखा है. उसके बाद भी कुछ गुंजाइशें हैं जो उनके आंसर्स के रिप्लाइज में जो हमने करे हैं उसमें आपको दिख जाएगा. ठीक, उसके अलावा आरती सिंह, रविकांत कश्यप, अनामिका राकेश, किशन साहू, विकास कुमार, दिस इज अ फ्यू नेम्स जिन्होंने इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस पर कुछ अच्छे आंसर्स लिखे हैं. और भी कुछ लोगों ने अच्छे अटेम्प्ट्स किए हैं रिस्पेक्टिव वे में. धीरे 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 करके हम डिस्कशन कम्युनिटी में आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे, पर आप आंसर लिखना बंद मत करिए. इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस नाउ क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस व्हिच वर अपलोडेड, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो था वो एकदम सिंपल पहले टॉपिक से था. आपको पूर्व पाषाण काल के बारे में बताना था. ठीक है, पेलियोलिथिक एज जो है उसके बारे में आपको 2 मार्क्स में बताना था. कोई आपका घुमा करके क्वेश्चन नहीं था, 2 मार्कर क्वेश्चन था. 30 वर्ड्स में आपको इसको लिखना था. आप इसको पॉइंट्स में भी 4-5 पॉइंट्स दे करके लिख सकते थे. आप इसको पैराग्राफ में भी, एक सिंगल पैराग्राफ में 3 लाइन में ख़त्म कर सकते थे. पूर्व पाषाण काल के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको इंक्लूड करने चाहिए वो ये थे. इनमें से जो भी 4-5 पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं करें. सबसे पहले तो पूर्व पाषाण काल क्यों कहा जाता है उसे ये बताएं. लिथिक का मतलब होता है पाषाण. ये जो पाषाण युग था, स्टोन एज था, उसके जो 3 हिस्से थे, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उसका पहला वाला हिस्सा पूर्व पाषाण काल कहलाता है. पाषाण कहने जाने की वजह यह है कि इस वक्त इंसान जो भी इस्तेमाल करता था अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो पत्थरों का इस्तेमाल था, चाहे वो उसके औजार, वो चाहे दूसरे ऑपरेटर्स हो उसकी डे टू डे लाइफ का, वो सब पत्थरों का इस्तेमाल करता था, इसलिए पाषाण युग है. तो उसी का अर्ली फेज़ है आपका पूर्व पाषाण काल. आप इसका टाइम पीरियड बता सकते हैं कि 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में ये पूर्व पाषाण काल था. प्लिस्टोसीन पीरियड ऑफ आइस एज जो था, एक्चुअली में ये जो आप हिमयुग कहते हैं उसी का हिस्सा था. और इस टाइम पीरियड के बीच में ये काल पूरे विश्व में था, ना सिर्फ भारत में. ठीक है, प्लिस्टोसीन पीरियड में था. और इस टाइम जो लोग रहा करते थे वो निग्रिटो रेस के ज़्यादा रहा करते थे. तो आप पहले तो वो कालक्रम के हिसाब से इसे बता दें कि भी पाषाण युग क्यों कहा जाता है, कब से कब तक था, कौन से पीरियड में था, कब था एक्चुअली. ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये वाली चीज़ बतानी है जो मैंने बताई कि पत्थर से बने बड़े बड़े औजार. देखो, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण तीनों ही पाषाण युग के हिस्से हैं, लेकिन तीनों में जो डिफरेंस है वो उन औजारों में है जो इस समय बनाए जाते थे. और भी डिफरेंसेस हैं लेकिन औजार भी एक डिफरेंस आता है. तीनों ही टाइम पे पत्थरों के औजार बनाए गए, पर पूर्व पाषाण कालीन जो औजार हुआ करते थे, देवर नॉट पॉलिश्ड, देवर नॉट फिनिश्ड. वो बड़े बड़े औजार बना करते थे जिनको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पॉलिश नहीं किया जाता था, शेपिंग उसकी नहीं हुआ करती थी. ठीक है, रफ औजार हुआ करते थे. तो इस टाइम पे चाहे वो चॉपर्स हों, चाहे वो क्लीवर्स हों, चाहे वो एक्सेस हों, कुल्हाड़ी वगैरह जितनी भी बना करती थी वो जो है अनपॉलिश्ड हुआ करती थी, बड़ी होती थी और रफ़ होती थी. ठीक है, तो इसके बारे में आप एक आध लाइन लिख सकते हैं. आप एग्जाम्पल के तौर पर औजारों के नाम लिख सकते हैं. ठीक, उसके बाद आपने टाइम पीरियड बता दिया, ये हिमयुग था ये बता दिया. फिर आपने बता दिया कि पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था और क्वार्ट्ज जो है उस पत्थर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए उस वक्त के लोगों को क्वार्ट्जाइट मैन भी बोला जाता है. ठीक है, क्योंकि उसी पत्थर का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था. लोगों के जीवन पर अगर हम नज़र डालें तो ह्यूमन वॉज अ वॉन्डरर, ही वॉज अ गैदरर, ही वॉज अ नोमैड. ठीक है, जंगली जीवन जीता था इंसान, खानाबदोश था और उसकी पूरी दिनचर्या, उसकी अर्थव्यवस्था, पूरा जीवन वन आधारित था. चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो कोई भी चीज़ के लिए हो, पूरी तरह से फॉरेस्ट्री पर वो डिपेंडेंट था. तो एक तो आप टाइम पीरियड बता दीजिए, उसके बाद इसे लिथिक यानी पाषाण कहे जाने की वजह बता दीजिए, ह्यूमन लाइफस्टाइल पर एक नज़र डाल सकते हैं आप. उसके बाद
जब भी आपको पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के बारे में कुछ भी पूछता है तो तीनों ही एज की जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी उसे आप ज़रूर मेंशन करें। तो देखिए, पूर्व पाषाण काल के सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी थी वो थी डिस्कवरी ऑफ फायर। ठीक है, इंसान ने आग जलाना जो है वो पूर्व पाषाण काल में ही सीखा था, इसका मेंशन करना ना भूलें, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ ऐसी जगह जो इस पर्टिकुलर एज से रिलेटेड है उनके एग्जांपल डाल दीजिए, जैसे हम हड़प्पा साइट्स, सिंधु घाटी साइट्स या इतिहास की कोई भी साइट्स में एग्जांपल डालते हैं तो पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य जिन जगहों से मिले हैं उन जगहों के बारे में आप लिख दीजिए। जैसे कि मध्य प्रदेश का भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स वगैरह आप बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में जो बेलन वैली है, बेलन घाटी है, इन दोनों का आप मेंशन कर सकते हैं। तो एक टाइम पीरियड हो गया, एक उनका लाइफस्टाइल हो गया, एक अनकालिथिक बोलने जाने की वजह एक पॉइंट हो सकता है, इन सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी और कुछ एग्जाम्पल। और आप फ्री हैं, आप कुछ और चीज़ें, कुछ अलग यूनिक चीज़ें अगर आप पैलियोलिथिक एज के बारे में जानते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। पर याद रखिएगा, यहाँ पे पैलियोलिथिक एज के बारे में सबको बहुत कुछ पता होता है, पर आपको अपने आंसर को 30 शब्दों में समेटना है, पॉइंट्स लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, तो ये एक फॉर्मेट होना चाहिए, पॉइंट्स में लिख देंगे तो कोई आपको पूर्व भूमिका डालने की ज़रूरत नहीं, कोई कंक्लूजन डालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली 5-6 पॉइंट्स लिखिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आप पॉइंट्स में लिखते हैं, जितने लोग के मैं आंसर्स देख रही हूँ बहुत अच्छे भी लिख रहे हैं, जब भी आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो अगर 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट लिखेंगे, 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट लिखेंगे, ऐसा ना करें। हो सकता है एग्जामिनर जो पॉइंट ढूंढ रहा है, जितने पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं वो आपके उन दिए गए पॉइंट्स में ना हो, 4 में 2 ही वो ढूंढ पाया और बाकी वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो आपने ना लिखे हो, मतलब हो सकता है 2 उतने इंपॉर्टेंट ना हो, तो वो आपको पूरे 4 मार्क्स नहीं देगा। कहने का मतलब ये कि एग्जैक्टली कितने मार्क्स के, अगर जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ही पॉइंट्स लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते। अगर 4 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट्स लिखो, अगर 2 मार्क्स का है तो कम से कम आपका 4 पॉइंट्स लिखिए, तब जाके मिलेंगे, अनलेस एंड इट इज स्पेसिफिकली मेंशन कि राइट डाउन 2, राइट डाउन 4। ठीक है, जब तक 2-4 ऐसे एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं मेंशन किया करता, आप अपने से थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख लीजिए ताकि सारे चीज़ें आप कवर कर सकें, वो फुल मार्क्स जो आधे रह जाते हैं वो आप फेच कर सकें। ठीक है, सो दी मेन कंटेंट है और पॉइंट्स में लिखिए, पैराग्राफ में लिखिए, ये मेन चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2 मार्क्स। सो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको काली बंगान पर एक नोट लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन अ नोट ऑन काली बंगान। सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्कर है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट के ऊपर नोट लिखने के लिए कहा है, इसे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी इंपॉर्टेंट 7-8 साइट हैं, अगर मैं उनका नाम लूँ तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, काली बंगान, चनहुदड़ो, ठीक, सूरकोतड़ा, धौलावीरा, बनावली, ठीक, ऐसे ही जो 7-8 साइट्स हैं इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तैयार करके रखें, 2 मार्कर 4 मार्कर में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ये कहाँ पर है, कौन सी नदी के तट पर है, किसने इसकी खोज की, ये तो आपको डालना मस्ट है ही। उसके अलावा चौथी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि आप कह सकते हैं ना कि ये पार्ट जो है प्रोटो हिस्टोरिक एज का है, तो हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं, जो कुछ हमें उस जगह के बारे में पता है वो पूरी तरह से एक्सकेवेशन में निकले जो साक्ष्य हैं उसके वजह से पता है। तो जब कोई साइट की इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं तो कहाँ है, किसने खोजी के साथ साथ वहाँ के कौन से इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं वो डालना ज़रूरी होता है। तो बस यही 4 पॉइंट्स होने चाहिए आपके उसमें कि कहाँ है, कौन से नदी के तट पर है, किसने खोज की और वहाँ से इंपॉर्टेंट साक्ष्य क्या क्या मिले, या उसके बारे में अगर कोई विशेष जानकारी हमको खोज से मिलती है तो वो ज़रूर डाल दें। ठीक है, तो ऐसे 2 मार्कर 4 मार्कर आप ज़रूर तैयार करके, जैसे कि काली बंगान का एग्जाम्पल है, तो सभी जानते हैं कि काली बंगान भारत के राजस्थान में गंगापुर ज़िले में घग्गर नदी के तट पर है। इस पर्टिकुलर सिंधु साइट की जो खोज है वो 3 लोगों ने की थी, अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर ने की थी। हालांकि इसकी खोज के जो ईयर्स हैं वो आपको अलग अलग मिलेंगे, कहीं 1953 मिलेगा, कहीं 1957 मिलेगा, पर आप अगर सेफ साइट में रहना चाहते हैं तो 1950 का जो दशक है उसमें आप लिख सकते हैं। अगर आपको 53-57 में कोई ऑथेंटिक सोर्स मिलता है तो आप वो ज़रूर डाल दें। ठीक है, आप ईयर से बचना चाहते हैं तो दशक का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक, उसके अलावा कुछ जो साक्ष्य यहाँ से मिले जो इस राजस्थान के साइट के बारे में बताते हैं उसे ज़रूर डालें, जिसमें से 2-3 ज़रूर उसमें आपके इंक्लूड होने चाहिए कि यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मतलब राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में भी वहाँ पे खेती बाड़ी वो लोग करते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इवन इन द डेजर्ट दे यूज्ड द टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर। यज्ञ वेदिकाएँ, हवन कुंड मिला है जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बताता है, कच्ची ईंटें मिली, कुछ नक्काशीदार ने डेकोरेटेड ईंटें मिली हैं। ठीक है, उसके अलावा
कुछ हल रेखाएं मिली हैं, सरसों के खेत मिले हैं, चने के खेत मिले हैं, कुछ विद्वानों ने कालीबंगान को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है, यानी जो कुछ आप साक्ष्यों के तौर पर जानते हैं या फिर उसके अबाउट्स में कुछ जानते हैं आप वो डाल सकते हैं, लेकिन कहाँ है, किसने खोजा, कब खोजा, ये तो बेसिक आपका आना ही चाहिए। फिर आप साक्ष्य डाल दीजिए और आपका 30 वर्ड्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 मार्कर सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन क्विकली टू द फर्स्ट 4 मार्कर क्वेश्चन। सो 4 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों से संबंधित विचारधाराओं से है। सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ उसके पीछे कोई तार्किक तथ्य नहीं आया है, कोई एविडेंस नहीं आया है कि अचानक से एक पूरी तरह से डेवलप्ड सिविलाइजेशन कहाँ गायब हो गई। और इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि फिर कई सारे इतिहासकारों ने, कई इंटेलेक्ट्स ने अपने अपने विचार रखे कि शायद इस वजह से हुई होगी या उस वजह से। कुछ ने कहा कोई नेचुरल कलामिटी आई होगी, किसी ने कहा कोई महामारी एपिडेमिक आया होगा, किसी ने कहा नदियाँ सूख गई होंगी, किसी ने कहा जलवायु परिवर्तन हो गया होगा। सबके अपने विचार थे, कोई भी प्रूव नहीं कर पाया कि ये फुली डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन अचानक से कहाँ गायब हो गई। तो उस पर से ये क्वेश्चन है कि यू हैव टू मेंशन फ्यू थियोरीज, या मैं कहूँ यू हैव टू मेंशन फ्यू आइडियाज जो कि प्रपाउंड किया था कुछ इतिहासकारों ने कि क्या प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं इस सभ्यता के पतन के। तो एक 4 मार्कर क्वेश्चन है, आप इसमें थोड़ी बहुत पूर्व भूमिका दे सकते हैं। जो चीज़ें अभी अभी मैंने कही उसे पूर्व भूमिका के तौर पर इनिशियल 2-3 लाइनों के तौर पर आप डाल करके 3-4 नाम लिख करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि फैक्चुअली आपको पूरा लिखना है तो इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 5 या 6 नाम लिख दीजिए, या अगर आप 4 बिल्कुल सही भी लिखते हैं तो भी ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली आपको 4 मार्क्स दे सकता है बिकॉज इट इज़ अ नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन, क्योंकि एक पूरी तरह से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आपको कि किसने क्या कहा था। आपको नाम भी याद रखने हैं और आपको उसके सामने उनकी दी गई थ्योरीज भी याद रखनी है। तो अगर आप कोई भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ना दे करके, कुछ भी शुरुआत ना करके डायरेक्टली 4 पॉइंट्स भी लिख देते हैं, 5 या 6 की भी जरूरत है, पर वो 4 सॉलिड होने चाहिए, 4 सही नाम और उनके द्वारा 4 दिए गए विचार, वो भी लिख देते हैं तो भी आपको सीधा सीधा 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको 4 नाम नहीं याद आ रहे तो शुरू में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के जो कहीं ना कहीं वेग पिक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डाल करके, उसके दिए गए बहुत सारे जनरलाइज थ्योरीज के बारे में बता कर कि कई लोगों ने ऐसा कहा, कई लोगों ने ऐसा कहा, फिर 2-3 नाम आप डाल दीजिए और उनकी थ्योरीज डाल दीजिए। अगर पूरे 4 याद नहीं है, 2 या 3 याद है, तो अपने आंसर को मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए थोड़ा सा इनिशियल 2-3 लाइन लिख करके आप मार्क्स डालें, और नहीं है तो फिर आप सीधा पॉइंट्स को लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ थियोरीज लिखी हैं, यहाँ पर इनमें से कोई भी 4 आप याद कर लीजिए और उसे आप लिख सकते हैं। जैसे कि व्हीलर और गॉर्डन ने कहा था कि शायद आर्यों के आक्रमण की वजह से इसका पतन हुआ होगा। फेयरचाइल्ड ने कहा था कि पारिस्थिति की कुछ डिस्टर्बेंस हुआ होगा, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ होगा जिस वजह से इसका पतन हुआ। स्टेन ने कहा था कि शायद रेनफॉल कम हुई होगी और क्योंकि नदी आधारित सारी सभ्यता थी और कृषि आधारित सभ्यता थी तो लो रेनफॉल की वजह से धीरे धीरे करके पूरा पतन हो गया है सभ्यता का। ऐसा राव का कहना था कि शायद बाढ़ आई होगी, अगेन नदियों के किनारे ही ज़्यादातर शहर बसे हुए थे, तो ये वाला जो विचार है वो जॉन मार्शल का भी था कि शायद बाढ़ आई होगी और सारी जो सभ्यता है वो बह गई उस बाढ़ में या पूरी तरह से डूब गई उस बाढ़ में। रेक्स एंड डेल्स का कहना है कि शायद भूकंप आया होगा, कोई इतना बड़ा या इतने व्याप्त ऐसा भूकंप आया होगा जिस वजह से सभ्यता नष्ट हो गई। कैनेडी का कहना है कि कोई ना कोई नेचुरल क्लामिटी आई होगी या एक ग्रुप ऑफ नेचुरल क्लामिटीज़ या प्राकृतिक आपदाएं होंगी जिसकी वजह से पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। तो आप इनमें से कोई भी 4 सॉलिड याद रख लें या 2 या 3 याद रहते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके आप 4 मार्क्स फेच कर सकते हैं 60 वर्ड्स में। पॉइंट्स में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जनरलाइज वे में याद रखिएगा, या तो नेचुरल क्लामिटी कहा गया, या तो क्लाइमेट चेंज कहा गया, या तो एपिडेमिक या महामारी कहा गया। इज दैट क्लियर? 4 मार्क्स क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, और इट फेच यू फुल मार्क्स इफ़ यू राइट 4 सॉलिड पॉइंट्स। ठीक, नेक्स्ट मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4 मार्क्स। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जैन धर्म से है। याद रखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म इस टाइम, इस पर्टिकुलर जो 3-4 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इन सब में अगर सबसे इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स बोले हम तो बौद्ध धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये धार्मिक आंदोलन जो है इससे हर प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में हालांकि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बौद्ध धर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन PSC और व्यापम जैन धर्म से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछता है। क्या कह रहे हैं इस पर गौर करें। मैंने कहा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में, बौद्ध धर्म
नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में अशोक ने भी उसे पेट्रोनेज दी और अशोक ने भी उसके प्रचार के लिए काफ़ी कुछ किया, तो क्वेश्चन ज़्यादा बौद्ध धर्म से बनते हैं। लेकिन पीएससी जो है वो प्रॉब्लम्स में भी और मेंस में भी दोनों से ही बराबरी क्वेश्चंस देता है, तो जैन धर्म से भी आने के पूरे चांसेस हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं, जो भी डॉक्ट्रिन्स हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उससे कई दफ़े 2 मार्क और 4 मार्क से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आप अगर पुराने पेपर्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ प्रूव होती दिखेगी। और उन्हीं में से जैन धर्म का एक सिद्धांत आपको नोट लिखने के लिए दिया गया था, वो था पंच महाव्रत। यू हैव टू राइट अ नोट ऑन पंच महाव्रत। तो सबसे पहले तो बताएं कि भी कौन से धर्म से संबंधित है, कि इट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म से संबंधित एक सिद्धांत है। इंग्लिश में इट इज नोन एज 5 वाउज ऑफ जैनिज्म। कहने का मतलब ये है कि पंच महाव्रत जैन धर्म के फॉलोअर्स के लिए गए 5 वाउज हैं, 5 प्रण हैं, कि यदि वो जैन धर्म को फॉलो करते हैं तो इन 5 बातों का उन्हें पालन करना ही होगा। जैन धर्म में जो भी आता है, जैन धर्म जो भी अपनाता है, उसे ये 5 प्रण लेने होते हैं कि मैं अपने पूरे जीवन में जैन धर्म के अंदर रहते हुए इन 5 प्रणों को हमेशा निभाऊंगा। तो दिस आर द 5 वाउज, एक्चुअली 5 व्रत हैं। ठीक है, जिसमें से 4 जो है वो पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म में। हम सभी जानते हैं कि 24 तीर्थंकरों में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो उन्होंने इसके 4 जो व्रत हैं वो दिए, और एक व्रत जो है वो महावीर स्वामी ने बाद में ऐड किया। इन दोनों को मिला करके 5 पंच महाव्रत कहलाते हैं। फिर आप इन 5ों का उल्लेख कर दीजिए कि सत्य, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत है, जिसमें से ये 4 जो हैं ये पार्श्वनाथ ने दिए थे, और ब्रह्मचर्य जो सेलिबेसी है वो महावीर स्वामी ने दिया था। ये पूरा पार्ट आपका एक हिस्सा होना चाहिए आंसर का, और अगर आप 2 पैराग्राफ में इस 4 मार्क्स के आंसर को लिख रहे हैं तो 1 में ये बताएं आप और 1 में इसे एक्सप्लेन करें। सिर्फ नाम उल्लेखित कर देने से पूरे नाम नंबर नहीं मिल जाएंगे, आपको इसका मतलब भी बताना होगा। तो 1 पैराग्राफ इस पे रखिए, 1 पैराग्राफ इसमें लिखिए, या शुरू में 1 पैराग्राफ 2-3 लाइन इसमें रखें, फिर ये 5 पॉइंट्स बनाकर लिख दें। सत्य मतलब कि आपका ट्रुथ, अहिंसा नॉन वायलेंस, अस्तय ठीक है मतलब कि नॉन पजेसिव, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, नॉन पजेसिवनेस, ब्रह्मचर्य जो है वो सेलिबेसी। ठीक है, मतलब आपको इन सभी का इम्पोर्टेंस एक एक लाइन में बताना होगा, या इनका एक एक लाइन में मतलब बताना होगा। ये 1 पैराग्राफ रखिएगा, ठीक है, कि जो भी जैन धर्म को फॉलो करता है उसे सत्य बोलना है हमेशा, हर प्रकार की जीव हत्या से बचना है। ठीक है, अस्तय अपरिग्रह का मतलब, अस्तय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, जिस पर आपका अधिकार नहीं है, सामने वाले की मर्जी के बिना, उसे पूछे बिना आप उस चीज़ पर अधिकार नहीं कर सकते हैं, आप उसे उससे नहीं ले सकते बिना उससे पूछे। अपरिग्रह मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो सांसारिक चीज़ें हैं उनका संग्रह ना करें, डू नॉट पजेस मैनी वर्ल्डली थिंग्स। ठीक है, अपरिग्रह मतलब सांसारिक चीज़ों का त्याग करिए, कोई भी चीज़ों का कह सकते हैं कलेक्ट करने की कोशिश ना करें, उसे मैक्सिमम जो है मिनिमलिज्म में बिलीव करिए, मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है बॉडी की, जीवन की, उस पे रहने की कोशिश करिए, वर्ल्डली थिंग्स का त्याग करिए। तो अपरिग्रह, जैसे आप जैन धर्म के फॉलोअर्स के बारे में सुनते होंगे, और ब्रह्मचर्य सेलिबेसी। ठीक है, जो जैन धर्म के फॉलोअर्स हैं उन्हें सेलिबेसी का भी पालन करना होगा, ये महावीर स्वामी ने बाद में ऐड किया। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिए 1 पैराग्राफ में, और 1 पैराग्राफ में इसका इंपॉर्टेंस या इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक, और इसी तरह से जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जितने भी आप सिद्धांत पढ़ते हैं उन सब के बारे में 30 वर्ड्स और 60 वर्ड्स में नोट बना लीजिए। 100 वर्ड्स मुश्किल है, 100 वर्ड्स में तब पूछेगा जब कोई बहुत बड़ा सिद्धांत होगा, या फिर 2 सिद्धांतों को आपको एक्सप्लेन करने पड़ सकता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द 8 मार्कर क्वेश्चन नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक तरह का एनालिटिकल क्वेश्चन था, और उसमें आपका क्वेश्चन ये था दैट हाउ फार इट करेक्ट टू से दैट चेंजेस इन पोस्ट वैदिक इकोनॉमी गेव बोथ टू गेव राइज टू न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी उसने नए धार्मिक आंदोलनों को भारत में जन्म दिया, ये कहना कितना सही है। तो पहले तो एक तरह का डिबेट टाइप का टॉपिक है आपको, ये डायरेक्टली डिस्कशन का क्वेश्चन है। डिस्कशन मतलब बिना लिखे, डिस्कस शब्द का बिना इस्तेमाल किए, ये एक डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है, कि पहले तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं आपके हिसाब से, और अगर सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों। तो देखिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट इतिहास का, तो ज़्यादातर ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही होते हैं, तो आपको ज़्यादातर जो पॉइंट्स रहते हैं वो फेवर में ही लिखने रहते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए कि क्या पूछना चाहता है। पहली बात तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स का क्वेश्चन है। कई लोगों ने, थोड़े कंपैरेटिवली कम लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया, पर जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है अच्छा लिखा है उन्होंने। मैं आपको पर्सनली डिस्कशन कम्युनिटी पर रिप्लाई भी करूँगी कि कहाँ क्या चीज़ कमी रहेगी। पहले इस फ्रेम को समझें।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था का प्रभाव धर्म पर। पहले तो इस चीज़ की जो जेस्ट है उसको समझिए, इफेक्ट ऑफ पोस्ट वैदिक इकोनॉमी ऑन रिलीजन। उत्तर वैदिक काल यानी कि महाजनपद काल जो स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पर क्या कुछ अर्थव्यवस्था में ऐसे बदलाव हुए जिसकी वजह से नए रिलीजन्स उस वक्त जन्मे। ये क्वेश्चन दरअसल बौद्ध धर्म जैन धर्म से है, पहले तो ये समझिए, क्योंकि महाजनपद एरा में ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो अस्तित्व में आए हैं, तो उन्हीं के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि महाजनपद काल में ऐसा क्या चेंज हुआ अर्थव्यवस्था में कि वो नए जो रिलीजन है उनका जन्म हुआ। तो आपको अर्थव्यवस्था का प्रभाव समाज और धर्म पर बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, क्या पूछना चाह रहा है, मैंने पॉइंट सामने लिखे हैं, मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, समझने वाली चीज़ है इसलिए थोड़ा सा मैं रिपीट कर करके बोल रही हूँ। न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, नीड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, शिफ्ट फ्रॉम वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा टू ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, यूज ऑफ आयरन एंड बुलॉक्स टू प्रोहिबिट वैदिक प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, जैन प्लस बुद्धिस्ट दोनों ही ये करते थे, वैश्या सपोर्टेड दीज न्यू रिलीजन्स फॉर बेटर सोशल स्टेटस, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, एंड ऑफ वॉर। अब इसका समझना क्या है, उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार एडवांस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर हो गया था। कृषि, कुछ ऐसी तरह की कृषि उस वक्त फेमस या पॉपुलर हो गई थी जिसमें पशुपालन का योगदान काफ़ी बढ़ गया था। अर्थव्यवस्था का आधार उस टाइम कृषि ही था, ये तो आप उत्तर वैदिक काल में ही जानते हैं कि कृषि जो है वो इम्पोर्टेंट बन गया था, क्योंकि वैदिक जो ऋग्वैदिक काल है उसमें पशुपालन इम्पोर्टेंट था और उत्तर वैदिक काल में आपका कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया था। और उत्तर वैदिक कहने का मतलब जो पोस्ट वैदिक वाला पार्ट है, उस पार्ट में या महाजनपद एरा में, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद एरा में आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों इम्पॉर्टेंट हो गए थे। कृषि मुख्य आधार बन गया था जिसमें पशुपालन की ज़रूरत होने लगी थी। वो क्यों होने लगी थी, क्योंकि इस टाइम पर जो कल्चरल शिफ्ट था वो वेस्टर्न यूपी और हरियाणा से ईस्टर्न यूपी और बिहार की तरफ हो गया था। जो पूरी सभ्यता है आर्यों की वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा से ईस्टर्न यूपी और बिहार की तरफ शिफ्ट हो गई थी। ये ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी टाइम पे लोहे की खोज हुई थी। तो लोहे की खोज होने की वजह से कृषि कार्यों में भी बुलॉक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था और लोहे का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता था। कहने का मतलब लोहे के औजारों का इस्तेमाल कृषि में करने के लिए आपको एनिमल्स की ज़रूरत पड़ी। क्या कह रही हूँ मैं, समझिए, कृषि में लोहे का इस्तेमाल करने के लिए आपको एनिमल्स की ज़रूरत पड़ी कि बुलक कार्ट्स वगैरह जो हैं वो बुल्स ही ड्राइव कर सकते थे। तो लोहे की खोज, फर्टाइल लैंड और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, सीधा सीधा आ जाता है पशुपालन पर। तो पशुओं का इम्पोर्टेंस इस टाइम पे धीरे धीरे बढ़ने लगा। और अब यहाँ दिक्कत क्या थी, ये तो अर्थव्यवस्था थी जिसके बारे में उल्लेख किया गया, पोस्ट वैदिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। और भी इसका एक पहलू, एक तो ये है कि न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी which had more importance of पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब दिक्कत ये थी कि जो ओल्ड वैदिक प्रैक्टिसेस थी उसमें एनिमल सेक्रीफाइस यानी पशु हत्या या उनको सेक्रीफाइस करने की परंपरा थी, और नई जो डिमांड थी इकोनॉमी की उसमें ये चीज़ आड़े आ रही थी। जो एनिमल सेक्रीफाइस होता है ना, जो पशु हत्या, पशुओं का की बलि दी जाती थी वैदिक प्रैक्टिसेस में, ये अगर पशुओं की बलि दी जाने वाली प्रथा सोसाइटी में व्याप्त रहती, फेमस रहती, पॉपुलर रहती, तो जो पशुपालन का कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने की ज़रूरत थी वो नहीं हो पाता। इस वजह से इकोनॉमी को प्रॉस्पर करने के लिए मैक्सिमम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जो डॉक्ट्रिन्स हैं उनको अपनाना शुरू किया, क्योंकि दोनों ही पशु हत्या को प्रतिबंधित करते हैं, दोनों ही एनिमल सेक्रीफाइस को गलत मानते हैं। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ एनिमल्स की तरफ ये ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। इस वजह से लोगों ने इनके जो सिद्धांत हैं इसको ज़्यादा अपनाना शुरू किया, क्योंकि अल्टीमेटली उनके दिमाग में इकोनॉमी थी। समझ रही चीज़ें, और भी वजह थी इनकी प्रॉस्पर होने की, पर याद रखिए इकोनॉमी का क्या रिलेशन था वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये पशुपालन को निषेध करते थे इस वजह से लोगों ने इसे मानना शुरू किया, और पशुपालन की उस टाइम आवश्यकता थी कृषि में प्रॉस्पर करने के लिए, ठीक। एक तो ये पहलू को आपको कुछ तरह से शब्दों में गढ़ के समझाना। दूसरी चीज़, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जो वैश्य और दूसरे व्यापारी वर्ग था उस वक्त, उसने बहुत बढ़ावा दिया।
जब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था प्रॉस्पर होने लगी तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज प्रॉस्पर हुई उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का एक और मुख्य आधार था, वो था ट्रेड, व्यापार। और वैश्यों का मुख्य जो काम है वो व्यापार ही है। तो वैश्य जो है उन्होंने बौद्ध धर्म जैन धर्म को अपनाया, उसे प्रमोट किया ताकि समाज में उनको जो सामाजिक दर्जा है वो और बेहतर मिल सके, जो कि ब्राह्मण सोसाइटी में उन्हें नहीं मिलता था। अगर हिंदू वैदिक सोसाइटी को ये लोग मानते रहते तो वैदिक व्यवस्था के तहत ब्राह्मणों का दर्जा हमेशा ही इनसे ऊपर रहता था, भले ही ये आर्थिक तौर पर जितने ही प्रॉस्पर क्यों ना हो जाए पर ब्राह्मणों का दर्जा हमेशा ऊपर रहता था। इसलिए हुआ ऐसा कि ट्रेड में अपने आप को प्रॉस्पर करने के लिए, या मैं कहूँ ट्रेड से प्रॉस्पर हुए जो वैश्य और दूसरे व्यापारिक वर्ग थे, उन लोगों ने बौद्ध धर्म जैन धर्म को काफ़ी प्रमोट किया। मतलब ये रिवर्स वाला है ना, ट्रेड की वजह से ये लोग पॉपुलर हुए और अपने पॉपुलैरिटी के बाद ये सामाजिक स्तर भी अपना बढ़ाना चाहते थे और उन पैसों का भी इस्तेमाल करके इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की थी। सोशल स्टेटस बनाना चाहते थे, सोशल स्टेटस बढ़ाना चाहते थे जो वैदिक सोसाइटी अलाउ नहीं करती थी, इसलिए जैन धर्म बौद्ध धर्म को इन लोगों ने ज़्यादा प्रमोट किया। तो ट्रेड भी कहीं ना कहीं एक वजह थी। उसके अलावा क्या था कि प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड ऑफ वॉर का मतलब ये है कि इस वजह से हो ये रहा था कि राज्यों के बीच में, क्योंकि नॉन वायलेंस जो था इस पर बहुत बल दिया करते थे जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही, तो राजवंशों के बीच में युद्ध को काफ़ी ज़्यादा ये गलत बताते थे और अंतर जो इंटर किंगडम आपके वॉर्स होते थे उनको बैन करने की बात होती थी। तो इस वजह से जो वैश्य हैं, इस वजह से भी जैन धर्म बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रमोट किया उन्होंने कि भाई अगर जैन धर्म बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर राजवंश आपस में अकारण युद्ध करना बंद कर दें तो इससे व्यापार में काफ़ी मुनाफा होगा, क्योंकि युद्ध का सीधा सीधा असर जो पड़ता है वो व्यापार में होता है। इस वजह से भी जो वैश्य और दूसरा व्यापारी वर्ग है उसने बौद्ध जैन धर्म को प्रमोट किया। याद रखना ना इस चीज़ के बारे में मैंने क्या कहा, नॉन वायलेंस का इनका जो गॉस्पेल है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, उससे वॉर पर प्रतिबंध लग सकता है जिससे ट्रेड प्रमोट होगा। एक वजह ये थी वैश्यों का सपोर्ट करने की। दूसरी वजह थी कि ट्रेड से ये लोग जो प्रॉस्पर हुए तो उसके बाद ये अपना सामाजिक दर्जा बढ़ाना चाहते थे और इस वजह से भी इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाया, उसे अपनाने के लिए प्रमोट करने की कोशिश की, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक सोसाइटी में ये हमेशा ब्राह्मण के सेकेंडरी ही रहते और जो आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म है उसके गॉस्पेल में वर्ण प्रथा का कोई औचित्य नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वो सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करता था उनके कर्मों के आधार पर और धर्म के आधार पर, कोई भी वर्ण प्रथा को जैन धर्म बौद्ध धर्म नहीं फॉलो करता था। तो वर्ण प्रथा का पालन ना करना और नॉन वायलेंस का इनका बिलीफ, ये दो ऐसी वजह रही जिस वजह से ट्रेड और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है इन दोनों का प्रभाव इन दोनों नए रिलीजन के उदय की तरफ पड़ा। आई बात समझ में? एक बार रिपीट मोड में जाकर समझें, आपको व्यापार का उल्लेख करना है, वैश्यों के सपोर्ट की बात करनी है और आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमी जिसमें आपके एनिमल हस्बेंड्री की जरूरत थी उसका उल्लेख करना है और इस तरह से दो पैराग्राफ में गढ़कर 100 वर्ड्स का आंसर आपको लिख देना है। 2 पैराग्राफ रहेंगे, ठीक है, एक में आप इसके बारे में समझें, एक में आप इसके बारे में समझें, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, फिर से एक बार समझ लें, सुन लें रिपीट मोड में जाकर और मैक्सिमम लोग आंसर लिख कर इसे सबमिट करने की कोशिश करें, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डीसी अपलोड, 15 मार्कर क्वेश्चन। आपका 15 मार्कर क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था जिसमें आप काफ़ी कुछ लिख सकते थे, लेकिन आपको 15 मार्क्स के हिसाब से 175 मार्क्स में इसको समेटना था। क्वेश्चन था आपका कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना है दोनों का। तो पहली बात, जो मैंने आंसर्स पढ़े उनमें जो कमियाँ हैं उसको मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। जब तुलना करने कहा जाता है तो कई लोग सिर्फ अंतर लिखते हैं, तुलना की बात मतलब सिर्फ अंतर नहीं होता, आपको जो सिमिलैरिटीज है जो दोनों में सामान्य चीज़ें उनको भी लिखना है। कई लोगों ने अच्छा अटैम्प्ट किया है पर कुछ लोगों ने सिर्फ डिफरेंसेस लिख करके इसे छोड़ दिया है। अगर तुलना करने बोल रहा है तो आप अंतर भी लिखें, डिफरेंसेस भी लिखें और सिमिलैरिटीज भी लिखें। अगर वो सिर्फ अंतर जानना चाहता तो राइट डाउन द डिफरेंसेस बोलता, आपको अंतर लिखने बोलता। तो इस तरह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों ही बताना है। सबसे बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए इन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के साथ साथ आपको एक पूर्व भूमिका डालनी होगी और साथ ही साथ निष्कर्ष भी डालना होगा।
जितने लोगों ने इसका फ्रेमिंग अच्छी की है तो उनमें मैक्सिमम लोगों ने अच्छा ही लिखा है, लेकिन किसी ने ऐसा है कि किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो किसी ने कंक्लूजन नहीं दिया, तो किसी ने दोनों ही ना लिख के सिर्फ पॉइंट्स लिख दिया, और किसी ने सही फ्रेम लिखा है तो नीचे का जो बॉडी है वो सही नहीं दिया। पहली बात तो इस आंसर में याद रखिएगा, एक इंट्रो होना चाहिए, सिमिलैरिटीज डिफरेंसेज आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, पर बेहतर होता है कि पहले जो समान चीज़ें उसके बारे में हम बात करते हैं और उसके बाद जो अंतर होते हैं उस पर बात करते हैं। तो पहले सिमिलैरिटीज़ रखिए, फिर डिफरेंसेस रखिए, और आखिरी में कुछ भी अपनी मर्जी से कंक्लूजन इसमें डाल दीजिए जो इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप पहले इसका संदर्भ बताइए कि भाई उत्तर वैदिक काल में किन कारणों से ये दोनों धर्मों का उदय हुआ, जो कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म और नवीन जितने भी आपके रिलीजन उस टाइम आए थे, जिन जिन कारणों से उनका राइज हुआ, तो उन सभी कारणों का थोड़ा बहुत उल्लेख करके बताइए कि किस तरह से भारत की बहुत ही पुरानी वैदिक सोसाइटी पर इन नए धर्मों का प्रभाव पड़ा और कई लोगों ने इन धर्मों को अपनाया, साथ ही साथ कई राजाओं का भी इसमें हाथ रहा है, इस धर्म के इन धर्मों को प्रमोट करने में कई राजाओं ने इनका अपना लिया, बहुत कुछ इनकी जो विचारधाराएँ हैं मिलती जुलती है, लेकिन इनमें कुछ डिफ्रेंसेज भी हैं। तो पहले कारण वगैरह बताकर कब आए, किस टाइम पे ये पनपे, ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में, एक हार्डकोर आपको आंसर नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये अपने हिसाब से आप कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस बताना है कि आप इस संदर्भ में बात करने वाले हैं, फिर आप ये बताइए क्योंकि एक समय में आए थे और काफ़ी कुछ इनकी विचारधाराएं मिलती हैं लेकिन डिफरेंसेस भी हैं, तो जब भी आप तुलना करते हैं तो पहले याद रखना जो विचारधाराएं मिलती हैं पहले उसको बताइए, फिर डिफरेंस बताइए। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप पहले सिमिलैरिटीज़ बता दीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेज लिखे, मैं कुछ ही दो चार ही बता रही हूँ आपको। जैसे कि सिमिलैरिटीज़ ऐसा है कि दोनों ही जो है अनिश्वरवादी हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन नहीं करते, दोनों ही जो है वो मूर्ति पूजा पर यकीन नहीं करते, हालांकि इस मामले में जैन धर्म उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितना ज़्यादा बौद्ध धर्म स्ट्रिक्ट है। उसके अलावा दोनों ही जो है पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, दोनों ही जो हैं वो अहिंसा को फॉलो करने की बात करते हैं। ये कुछ चीज़ें आप सिमिलैरिटीज़ में लिख सकते हैं, फिर इन चीज़ के बाद एक लाइन कनेक्ट करके लिखी कि इन सिमिलैरिटीज़ के साथ साथ कुछ विचारों में अंतर भी हैं। जैसे कि पहले तो जो प्रोपाउंडर्स हैं उनके नाम आप अंतर में लिख सकते हैं कि इसको, इस जैन धर्म को वैसे तो शुरुआत में ऋषभदेव का नाम आप मेंशन करें लेकिन इस ये पॉपुलर किया महावीर स्वामी ने, और बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, आप उसके अलावा जब कह सकते हैं इनका जो पहला, आप याद रखें महावीर और बुद्ध के डिफरेंसेस नहीं लिखेंगे, आप इनकी विचारधाराओं के डिफरेंस लिख रहे हैं। कई लोग ऐसा करके ऐसा भी आंसर्स लिखे हैं किसी ने कि महावीर स्वामी को यहाँ पे केवल मिला, वहाँ पे उनको निर्वाण मिला। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोगों ने ऐसा लिख दिया है कि ये नदी के तट पर इनको मिला, उस नदी के तट पर। आपको दोनों की निर्वाण या केवल प्राप्त करने की जर्नी के बारे में या उनके फैमिली लाइफ या उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिफरेंस नहीं लिखना है, आपको डिफरेंस लिखना है दोनों की विचारधाराओं में। तो बस इतना एक लाइन में मेंशन कर दी कि दोनों के प्रतिपादक कौन थे ये, और पहला उपदेश इन दोनों का कहाँ कहाँ दिया गया, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे डिफरेंस में कि जैन धर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कैवल्य की प्राप्ति होती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो निर्वाण की प्राप्ति होती है, आप ये नामों का डिफरेंस लिख सकते हैं। और जब आप सिमिलैरिटीज लिख रहे हैं तो इसी की सिमिलैरिटी लिख सकते हैं कि दोनों का अल्टीमेट गोल सालवेशन ही है, मोक्ष प्राप्ति ही है, हालांकि बाद में आप डिफरेंस में लिख देना कि इसमें इसको कैवल्य बोला जाता है, इसमें इसको निर्वाण बोला जाता है। ठीक, उसके अलावा आप ये डिफरेंस लिख सकते हैं कि जैन धर्म जो है वो आत्मवादी है, वो बिलीव करता है कि ना सिर्फ मनुष्य बल्कि सभी जीवों की आत्मा होती है, और बौद्ध धर्म जो है वो अनात्मवादी होता है। ठीक है, मतलब वो इट डजेंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, इस चीज़ को आप लिखें। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो है काफ़ी कठिन है, संलेखना या परिग्रह जैसे इनके जो बिलीव्स हैं उसमें जैन धर्म को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, वहीं बौद्ध धर्म जो है उसको फॉलो करना काफ़ी आसान है क्योंकि वो मध्यम प्रतिपदा यानी जीवन जीने के मध्यम मार्ग पर बिलीव करता है। कई लोगों ने लिखा है कि दोनों ही सांसारिक चीज़ों को त्यागने की बात करते हैं, ये गलत है। बौद्ध धर्म ने सांसारिक सुखों को त्यागने की बात नहीं की, वो बोलता है कि ना तो ज़्यादा सांसारिक सुखों का आप वो करें ना ही हर चीज़ को त्याग दें, एक मीडियम मार्ग पर चलें। तो इस तरह से बौद्ध धर्म जो है वो मीडियम रास्ते पर दुनिया के साथ चलने पर बिलीव करता है, और ये जो है हर चीज़ को त्यागने का बिलीव करता है। तो जैन धर्म जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, एंड बौद्ध धर्म जो है वो काफ़ी सरल है फॉलो करने के लिए, और इसी वजह से इसका जो स्प्रेड है आप देखेंगे भारत के अंदर जैन धर्म का स्प्रेड ज़्यादा है और भारत के बाहर बौद्ध धर्म का, क्योंकि इंडिया में वैदिक प्रैक्टिसेस भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी और लोगों ने जैन धर्म को भी आसानी से अपना लिया, क्योंकि जैन धर्म और इंडिया के वैदिक धर्म में जो कठिनाई है फॉलो करने में वो उतना डिफरेंस नहीं है।
ठीक है। तो भारत के अंदर तो जैन धर्म पनपा, पर बौद्ध धर्म शुरुआती उस टाइम के बाद, अगर आज के टाइम पे देखेंगे हम तो उतना ज़्यादा इसलिए नहीं है। आप कहेंगे कि भाई अभी तो उसके फॉलोअर ज़्यादा है, पर याद रखिए कि B.R. अम्बेडकर के जो फॉलोअर्स है वो ज़्यादा हैं, और चाइना से प्रभावित नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ज़्यादा है, पर ओरिजिनली गौतम बुद्ध के जो ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं, मतलब। लेकिन इंडिया से बाहर बौद्ध धर्म ज़्यादा गया, जैन धर्म नहीं गया। जैन धर्म इंडिया से बाहर इसलिए नहीं गया क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट था फॉलो करने के लिए, और बौद्ध धर्म जो है वो काफ़ी सरल था। तो जहाँ जहाँ इसका प्रमोशन किया अशोक ने, वहाँ वहाँ इसे फॉलो करने वाले बढ़ते गए, क्योंकि इट वॉज़ वेरी ईजी टू फॉलो, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह उसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था फॉलो करने के लिए, इसलिए बाहर ज़्यादा पनपा। और जैन धर्म में कठिन रिचुअल्स होने की वजह से इंडिया से बाहर वो ज़्यादा पनप नहीं पाया, ठीक है। तो इसके स्प्रेड के बारे में भी आप थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर बताएंगे। मैंने देखा कई लोग आंसर लिख रहे थे कि इस ये लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, ये लोग इस, आप डॉक्ट्रिन्स लिख दे रहे हैं पर डॉक्ट्रिन्स में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है। ये पंच महाव्रत पर बिलीव करते हैं, वो आष्टांगिक मार्ग पर बिलीव करते हैं, ये सियालवाद पर। अरे आप सिमिलर डॉक्ट्रिन्स को या तो सिमिलैरिटीज़ में रखिए या तो डिफरेंस में रखिए। जैसे कि संलेखना और मध्यम प्रतिपदा एक दूसरे के अपोजिट डॉक्ट्रिन्स हैं, तो आप इसको एक साथ रखिए, ठीक है। त्रिरत्न, अगर आप जैन धर्म के फॉलोअर हैं तो सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, ये जो तीन चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए कैवल्य की प्राप्ति के लिए, वो त्रिरत्न जैन धर्म में दिया है। तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता डॉक्ट्रिन आष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में, जिसमें 8 मार्ग हैं निर्वाण प्राप्ति के लिए, या फिर आपके पीस के लिए 8 मार्ग दिए गए, इसमें त्रिरत्न दिए गए, ठीक है। और कई लोग जो हैं त्रिरत्न को कंफ्यूज हो रहे हैं, याद रखना त्रिरत्न उसमें भी है, पर त्रिरत्न अलग चीज़ है, वो 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म है, और यहाँ पे 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म जो हैं आष्टांगिक मार्ग जैसा है। इंसान को क्या 3 चीज़ें करनी चाहिए, यहाँ पे इंसान को क्या 8 चीज़ें करनी चाहिए, इंसान को किस 8 तरीके से रहना चाहिए, इंसान को क्या 3 चीज़ें याद रखना चाहिए अपने जीवन जीने के लिए। तो ये दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। असंगत जो आपकी डॉक्ट्रिन से उसको कंपेयर ना करें, ठीक है। हाँ, आप लास्ट में एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इसके अलावा इनकी ये भी फॉलोइंग्स हैं, ये भी डॉक्ट्रिन से, इनकी ये भी। एक लास्ट एग्जाम्पल के तौर पर, जैन धर्म बिलीव इन दिस इट बिलीव इन दिस, पर कोशिश करिए कि कुछ सेम पॉइंट्स पे इन्होंने जो कहा और इन्होंने जो कहा, अगर उसमें कुछ सिमिलैरिटी तो सिमिलैरिटी में डाल दो और डिफरेंस है तो डिफरेंस में डाल दो। जैसे कि मैं यहाँ पे कह रही हूँ, संलेखना और अपरिग्रह की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का आप संकलन ना करें, या फिर संलेखना का मतलब होता है कि अपने उपास रखकर मृत्यु को प्राप्त होना, सांसारिक चीज़ों को त्याग कर देना, जो कि एक्सट्रीम मार्ग है। ये कहीं ना कहीं जीवन से रिलेटेड कि कितना कठिन है ये वाला पॉइंट इनका बताता है, और वहीं उधर मध्यम प्रतिपदा बताता है कि जीवन जीने के लिए एकदम कठिन मार्ग की आवश्यकता नहीं। तो ये दोनों ही अलग अलग धर्म की टीचिंग्स हैं, पर एक दूसरे के अपोजिट। तो अपोजिट्स या सिमिलर को डील करिए, एकदम असंगत जो है उनको डील मत करिए। हाँ, लास्ट में एग्जाम्पल के तौर पर आप डाल सकते हैं, कोशिश करिए कि जितना कंपेयर कर सके उतना करें, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप और एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, 175 वर्ड्स की आपकी लिमिट है, पर इनको ही लिखने में आप इंट्रो और कंक्लूजन को स्किप मत करिए। कुछ भी करके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों ही करिए। दोनों ही धर्मों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, दोनों ही धर्म जो आज भी तार्किक और पूरे ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में काफ़ी पॉपुलर हैं, उसकी क्या वजह रही, उसको आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये कब आए, क्यों आए, उदय का क्या कारण था, वो इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए, और कंक्लूजन में डाल दीजिए कि इतनी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बावजूद दोनों ही जो धर्म हैं वो मानवता की भलाई के लिए हैं, या लोगों में कई सारी बुराइयों को मार करके जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं, और अपनी इनकी खूबियाँ हैं जिस वजह से ये पूरे विश्व में पॉपुलर हैं। आप इस तरह से इनको कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन मैं आप पर छोड़ती हूँ, बाकी पॉइंट्स और स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। इज़ क्लियर? सो दैट इज़ ऑल विद टुडेज एनालिसिस वीडियो। होप यू लाइक द लेक्चर। कुछ भी अगर आपको कुछ लगता है, कुछ कमेंट सेक्शन में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपके आंसर्स का रिप्लाई धीरे धीरे करके, एकदम से आप ये ना सोचिए कि हम सारे भी रिप्लाईज कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे रिप्लाईज होते हैं, पर धीरे धीरे करके मैक्सिमम आंसर्स का हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आप आंसर्स लिखकर सबमिट करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।